नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जादूगर मोदी, मोदी मैजिक, मोदी को मिली महाविजय। इसी तरह से पिछले 7 साल से गोदी मीडिया के तमाम एंकर मोदी भक्ति में डूबे रहे और मोदी के नाम पर भक्ति करते रहे। कहते रहे कि जहां पर मोदी कदम रखते हैं, जहां पर मोदी रैली करते हैं, वहां पर हवा का रुख बदल जाता है, वहीं पर बीजेपी जीत जाती है। लेकिन मोदी का ये चेहरा अब इतना फीका पड़ गया है कि मोदी का चेहरा बीजेपी अब इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये ब्रांड मोदी इतना फीका हो गया है कि अब उसका चेहरा तक इस्तेमाल नहीं कर रही है। या फिर यूं कहे कि मोदी का चेहरा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और ये चेहरा फीका पड़ जाए इससे पहले इसको हटा लिया गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में खींचतान चल रही थी, लगातार हम आपको खबर बता रहे थे, अब आरएसएस की बैठक हुई है दिल्ली के अंदर। और आरएसएस की इस बैठक में, क्योंकि आरएसएस ही कहा जाता है कि आरएसएस ही सरकार है, बीजेपी, अमित शाह, मोदी ये तो मुखौटा भर है, असली शक्ति, असली रिमोट कंट्रोल वो नागपुर में है, आरएसएस के पास में है, ये कहा जाता है। अब आरएसएस की एक बैठक होती है दिल्ली में, उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे, केवल योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। पहला ये कि वाकई नरेंद्र मोदी का चेहरा अब फीका पड़ चुका है, लोग उनको नहीं स्वीकार कर रहे हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दिया है। या दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से डर गए हैं, उनकी लोकप्रियता से डर गए हैं और वो कहीं जीत ना जाएं, इसीलिए अपने आप को पीछे हटा लिया। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर आई है उत्तर प्रदेश से, जिसको लेकर के आरएसएस ने मीटिंग की है। ये खबर आप देखिए, दैनिक भास्कर की यह खबर है और दैनिक भास्कर की इस खबर में लिखा है कि आरएसएस का योगी मॉडल, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए संघ की बैठक में बनी रणनीति, राज्य के चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा नहीं होगा इस्तेमाल, आरएसएस को योगी पर भरोसा है, संघ की बैठक में लिए गए अहम फैसले, इसमें कहा गया कि यूपी में नेतृत्व बदलाव नहीं होगा, योगी ही सबसे बड़े चेहरा है, यूपी चुनाव में इस बार मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। आखिरकार मुसलमानों की याद आ गई, लेकिन क्यों आई है वो बताएंगे आपको। डॉक्टर हेडगेवार की पुण्यतिथि से फ्री वैक्सीन की योजना की शुरुआत की जाएगी, सर कार्यवाहक होसबोले का मुख्यालय लखनऊ में रहेगा, मोदी और भागवत के बीच में समन्वय भैया जोशी देखेंगे। तो ये बैठक में कुछ एक बड़े फैसले रहे हैं कि अब आरएसएस अपना डेरा तंबू डालेगी लखनऊ के अंदर, और जब तक विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं, आरएसएस के शीर्ष नेता और उनका कैडर वो लगे रहेंगे। लेकिन मोदी का चेहरा पीछे हो गया, वजह इसकी क्या है, इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए बीजेपी को। लेकिन इसकी वजह भी है और इसकी वजह भी बड़ी पुख्ता है। वजह क्या है कि वजह यह है, विधानसभा चुनाव जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुए, पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस मोदी बनाने से नुकसान हुआ पार्टी को, और इसीलिए अब बीजेपी ने यह रणनीति अपनाई है कि वो योगी को सामने रखेंगे, मोदी को पीछे रखेंगे। अब इससे फायदा यह भी है कि जैसे ममता बनर्जी ने हरा दिया, अब ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं तो वो फिर योगी की हार नहीं, मोदी की हार होगी, अगर मोदी आगे रहते हैं। लेकिन अब मोदी पीछे रहेंगे और योगी हार जाएंगे तो वो योगी की हार होगी, कहा जाएगा कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और योगी हारे, सो मोदी अभी सेफ है। मोदी को सेफ रखने का ये प्लान है, क्योंकि 2022 से 2024 के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, और अगर उत्तर प्रदेश में हारते हैं तो इसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा, सारे हिंदी भाषी राज्यों में मोदी के खिलाफ एक लहर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए आरएसएस की तरफ से रणनीति बनाई गई है। और देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल वर्सेज मोदी, मोदी हार गए, इसी तरह से ममता बनर्जी वर्सेज मोदी, मोदी हार गए, 2015 में बिहार में मोदी को चेहरा बनाया, मोदी हार गए, 2020 में भी मोदी को चेहरा बनाया, लेकिन हालत क्या रही, किस तरह से जीते, ये पूरा बिहार जानता है और देश जानता है। अब ऐसे में बीजेपी ने देख लिया कि मोदी को चेहरा बनाने से कोई फायदा नहीं है, मोदी को आप पीछे रखिए। लेकिन सवाल यह है, मोदी को बचाएंगे कहां, कहां से बचाएंगे, कैसे कैसे बचाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार मुसलमानों को टिकट देने का फैसला लिया है,
पिछली बार मुसलमान को एक मुस्लिम व्यक्ति को भी, एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार मुस्लिमों को टिकट दिया जाएगा। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस ने, ये आरएसएस की मीटिंग में कहा गया है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मुसलमानों के अंदर मोदी की छवि मुस्लिम विरोधी बना दी और इसीलिए सारे मुसलमान एकजुट हो गए। अब यही डर जो है वो आरएसएस को उत्तर प्रदेश के अंदर सता रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को एकजुट कर सकती है और उत्तर प्रदेश में 75 ऐसी सीटें हैं, 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। मुस्लिम मतदाता जिस तरफ जाएंगे वहीं पर ये 75 सीटें चली जाएंगी। इसीलिए इन 75 सीटों को जीतने के लिए अब आरएसएस की इस मीटिंग में कहा गया है कि आपको मुसलमानों को टिकट देना ही पड़ेगा। अब कैसे दिया जाएगा बताइए? आपने सीए, एनआरसी तमाम जगह पर घुसपैठिए हैं, क्या क्या कहा गया, अब आप मुसलमानों को टिकट क्यों दे रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और आरएसएस की जो मीटिंग हुई है इसमें कहा गया है कि मोदी की छवि फिर भी मुस्लिम विरोधी बना दी गई है, लेकिन योगी की छवि मुस्लिम विरोधी नहीं है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पर यकीन करेगी? और क्या इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है क्या? यह बड़ा सवाल है। क्या आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की छवि मुसलमानों के बीच में बहुत लोकप्रियता है? मुस्लिम जो मतदाता है वो इस बात को बताए कि क्या वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। सीएनआरसी के नाम पर किस तरह से बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर आधी रात को ठंडे पानी की बौछारें की गई, ठंडा पानी डाल दिया गया था जनवरी के महीने में, याद कीजिए उसको। लखनऊ के अंदर, दूसरे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा था, किस तरह से हुआ। और गाय के नाम पर और किस तरह से जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं। क्या आपको लग रहा है कि योगी की छवि वाकई मुस्लिम प्रिय है, मुस्लिम विरोधी नहीं है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ये अहम फैसले लिए गए हैं, इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि मोदी का चेहरा, मोदी का ब्रांड, मोदी का मैजिक, मोदी की छवि, अब वो बातें खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और इसीलिए अगर 2019 में, 2022 में यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाती है तो फिर 24 भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसीलिए मोदी, योगी की हार का ठीकरा मोदी पर ना फोड़ा जाए, इसीलिए मोदी को पीछे कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या जनता इतनी भोली है? क्या जनता इस बात को देख नहीं रही है कि कौन है किसके आगे और कौन है किसके पीछे, कौन कहां पर किसको चुनाव लड़वा रहा है और कौन किसको चुनाव हरवा रहा है, सारा मैनेजमेंट किसके हाथ में है? और क्या पिछले 5 साल का योगी आदित्यनाथ का काम, उनकी सरकार की कार्यशैली, क्या उसके नाम पर आपको लग रहा है कि जनता उनको फिर से जिता करके भेजेगी? 22 लोगों की मौत हो गई 5 मिनट के अंदर, मॉक ड्रिल की गई थी और 5 मिनट के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। एक अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो हमने आपको दिखा है कि ये तमाम जो लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान लोगों के साथ में जातियां हुई है, क्या इन जातियों को लोग याद नहीं रखेंगे और इनका हिसाब नहीं लेंगे? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई मोदी के चेहरे को पीछे करने से, योगी के चेहरे को आगे करने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।